और खबरों को विस्तार से देखते हैं और बात करते हैं माफिया मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की। माफिया मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आज इन दोनों की किस्मत का फैसला होने वाला है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट इन दोनों भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत फैसला सुनाने वाली है। इस फैसले पर दोनों भाइयों का भविष्य भी टिका हुआ है। गैंगस्टर एक्ट के आरोपी मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर साल 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप है। इस मामले में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या हुई थी। वहीं सांसद अफजाल अंसारी और माफिया मुख्तार अंसारी पर 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। इस मामले में साल 2012 में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रायल भी शुरू हुआ था और आज फैसले का दिन है। तो 15 साल पुराना मामला जिस पर कुछ ही घंटों बाद अब फैसला आ जाएगा। अब माफिया मुख्तार की बारी। ऑपरेशन मिट्टी में मिलाना जारी। अतीक अहमद के बाद एक और कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी पर सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। सीएम योगी का प्रण, सांसद में मुख्तार के प्राण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे से माफियागिरी के सफाए का बीड़ा उठाया है। जिन बाहुबलियों के मामले अदालती दहलीज तक पहुंच गए हैं, उनका निपटारा हो रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर गैंगस्टर केस में गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई है। 60 साल के मुख्तार अंसारी के ऊपर 61 मुकदमे लदे हुए हैं। ये मुकदमे हत्या, अवैध असलहे और अवैध तरीके से संपत्ति हासिल करने से जुड़े हैं। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 2 मामले चल रहे हैं। अब जरा मुख्तार के केस का किस्सा समझिए। 29 नवंबर 2005 को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की गाजीपुर के मोहम्मदाबाद इलाके में हत्या कर दी गई। कृष्णानंद एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बुलेट प्रूफ गाड़ी में लौट रहे थे। गाड़ी को घेरकर शूटर्स ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। कई शूटर्स ने एक साथ AK-47 से करीब 400 राउंड गोलियां चलाई। मौके पर ही कृष्णानंद राय की मौत हो गई। 7 अन्य लोग भी मारे गए। कृष्णानंद राय से अंसारी फैमिली की बड़ी सियासी अदावत थी। दरअसल कृष्णानंद ने विधानसभा का चुनाव जीतकर मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी से मोहम्मदाबाद सीट छीन ली थी। अंसारी परिवार के गढ़ में कृष्णानंद राय की बढ़ती सियासी धमक ने चुनौती पैदा कर दी थी। कहते हैं कि मुख्तार अंसारी को ये बात नागवार गुजरी और उसके बाद ही कृष्णानंद राय की हत्या हो गई थी। हत्या के इस मामले में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी भी आरोपी हैं। अफजाल इस वक्त गाजीपुर से बीएसपी सांसद हैं। मैं आपसे बता रहा हूं कि षड्यंत्र तो हो रहे हैं, अब हुए हैं, अब होते रहेंगे, लेकिन ईमान इस बात का है कि मारने वाले से बढ़कर है बचाने वाला। दोनों अंसारी ब्रदर्स कोयला कारोबारी नंदकिशोर रूंटा के अपहरण और हत्या मामले में भी आरोपी हैं। ये दोनों ही केस गैंग चार्ट में शामिल हैं, जिसमें फैसले का इंतजार हो रहा है। मुख्तार अंसारी मऊ और गाजीपुर के इलाके में अपनी गैंगस्टर स्टाइल सियासत के लिए कुख्यात रहा है। 1988 में मुख्तार के खिलाफ पहला केस गाजीपुर कोतवाली में दर्ज हुआ था। उस पर ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या का आरोप था। इस मामले के बाद मुख्तार की जरायम की दुनिया भी बढ़ती चली गई, लेकिन लगे हाथ उसने सियासी चौधराहट हासिल करने के लिए चुनाव लड़ने भी शुरू कर दिए। साल 1996 में मुख्तार ने बीएसपी के टिकट पर पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा। 2002 के बाद 2017 तक मुख्तार को लगातार जीत हासिल हुई। आखिरी 3 चुनाव मुख्तार ने जेल में रहते हुए लड़ा। मुख्तार जैसे नेताओं को बाहुबली बनाने में सियासत का बड़ा योगदान रहता है कि मुख्तार फिर से सिस्टम का हिस्सा बनेगा या फिर वही सिस्टम एक और माफियागिरी को मटिया मेट करके छोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। माफिया मुख्तार और उसके भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ 2007 में दर्ज गैंगस्टर मामले में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट आज फैसला सुना सकती है। इसको लेकर तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने जी मीडिया से कहा कि आज उम्मीद है
कि न्याय की जीत होगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में गवाहों पर दबाव बनाया गया, लेकिन उन्हें कोर्ट के फैसले पर पूरा भरोसा है। बता दें कि तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के मुकदमे के आधार पर अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के खिलाफ 2007 में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था, 2005 का ये मामला, और उसके बाद 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ था। हमारे साथ पीयूष आई जी, हमसे बात करते हैं, इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि बड़ा लंबा संघर्ष किया आपके पूरे परिवार ने। देखिए, व्यक्तिगत रूप से अगर मैं संघर्ष की बात करूं तो मेरे पिताजी के 95 से उन्होंने राजनीतिक जीवन में अपना कदम रखा, तो संघर्ष की बात करूं तो 28 साल हो गए, और उनके मृत्यु के उपरांत व्यक्तिगत रूप से हमारा और हमारे माता जी का जो मानसिक संघर्ष रहा या शारीरिक जो संघर्ष रहे, वो 18 साल बीत चुके हैं। एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते एक उम्मीद है कि जब हमें न्यायपालिका से इस पर एक अच्छी खबर सुनने को मिले। एक बड़ा विचित्र बात ये रही कि सब कुछ साक्ष्य रहने के बावजूद भी जब पूरा हत्या का पूरा मामला, तो इसमें मुख्तार को और तमाम लोगों को जो है बरी कर दिया गया, उसमें तमाम जो सीडी थी वो सीडी प्ले नहीं हुई थी, ऐसी तमाम चीज़ें रही हैं, तो ये कहा जा सकता है कि लगातार जो है बचाने की कोशिश की गई मुख्तार को और उनके तमाम लोगों को। देखिए, अगर आप यहाँ लोकल लोगों से पूछेंगे अगर इन लोगों का इतिहास, तो ये निमित्त एक गुंडे रहे हैं। ये बाहुबली या माफिया सरकारों के, उस समय के सरकारों के, चाहे सपा की रही हो चाहे बसपा की रही हो, उनके संरक्षण में बने हैं। ऐसा एक दिन में मुख्तार अफजाल ये तो बने नहीं, और 1984 से अफजाल अंसारी विधायकी का चुनाव लड़ते आए हैं। उनको जब 1996 के 97 के चुनाव में विधानसभा में जब उनको टक्कर हमारे पिताजी से हुई राजनीतिक पृष्ठभूमि पर, तो उनको ये समझ में आ गया कि एक ऐसा व्यक्ति उनके किले को हिलाने आ गया है जो उनके किले को कभी भी गिरा सकता है। और इन्होंने इस पावन धरती, शहीदी धरती मोहम्मदाबाद को अपना काले साम्राज्य का एक अड्डा बना रखा था। जब 2002 में पिताजी ने उनको करीब 8000 से अधिक मतों से हराया, तो उनको ये लगा कि कैसे एक ऐसा व्यक्ति, सामान्य परिवार का व्यक्ति आके जनता के जो मूलभूत सुविधाओं के मामले को जनता के बीच में रख के और इनको मतलब इतने ज़्यादा वोटों से हरा दिया, तो उनको ये बात पची नहीं, जिसका कारण था कि 2005 में इन्होंने मतलब मुन्ना बजरंगी, अतारुर रहमान बाबू, संजीव महेश्वरी, फिर फिरदौस, ऐसे ऐसे अपराधियों का साथ लेके इनकी हत्या करवाई। सबके बावजूद मेरा ये मानना है कि जब 2017 या 19 में जब इसका फैसला आया, और उस समय के जब जज ने इस पर फैसला सुनाया, तो उन्होंने ये कहा कि अगर गवाहों ने अपने बयान नहीं पलटे होते तो इसका फैसला कुछ और होता। हम कह सकते हैं कि आज गाजीपुर की MP MLA कोर्ट कृष्णानंद हत्याकांड मामले में जो गैंगस्टर एक्ट का मामला था उस पर आज अपना फैसला सुना सकती है, और जो परिवार है कृष्ण का, उनका साफ तौर पर ये मानना है कि कोर्ट हो सकता है कि उनके पक्ष में ही फैसला सुनाए। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ विशाल लघुवंशी, जी मीडिया, गाजीपुर। तो देखिए, और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी विशाल गाजीपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही इस वक्त बांदा से अतुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों का एक एक करके रुख करते हैं, लेकिन सबसे पहले विशाल का ही रुख कर लेते हैं। विशाल, क्योंकि आज फैसले का दिन है, उम्मीद जताई जा रही है कि आज दोनों के भविष्य, चाहे मुख्तार अंसारी हो अफजाल अंसारी हो, दोनों के भविष्य का क्या कुछ रहने वाला है, वो क्लियर हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल, आज निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि मुख्तार अंसारी हो चाहे अफजाल अंसारी हो, इनके विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी सीधे तौर पर आज फैसला जो है वो कोर्ट में आ सकता है, क्योंकि अगर इन लोगों को जो है सजा सुनाई जाती है, और जिस तरह की ये बात कही जा रही है कि 10 वर्ष या आजीवन कारावास की सजा सुनाई सकती है, तो ऐसे में अब इनको जो है अगर ये सजा सुनाई जाती है तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले में सजा सुनाए जाने के बाद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अफजाल अंसारी चूंकि मौजूदा समय में इस वक्त गाजीपुर से साथ साथ है, तो ऐसे में 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और कोर्ट अगर जो है उनके खिलाफ फैसला देती है, तो चूंकि इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो कुल 7 लोग की हत्याएं हुई थी कृष्ण राय समेत, और इसको लेकर 2007 में मुकदमा जो है वो मोहम्मदाबाद में दर्ज कराया गया था। 2005 की हत्या थी, उसके 2007 में गैंगस्टर चार्ट के तहत इन तमाम लोगों के खिलाफ FIR जो है वो दर्ज कराई गई थी। उसी में अगर हम बात करें तो मुख्तार अंसारी है, अफजाल अंसारी है, इसके साथ साथ मुख्तार के बहनोई जो है वो शामिल है, और इन सब के खिलाफ अगर हम बात करें तो मुख्तार के खिलाफ 10 गवाह हुए हैं, अफजाल के खिलाफ 7 गवाही हुई हैं, और अब आज इस पूरे मामले में करीब 12 बजे
कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है मुख्तार जुड़ेगा, उसके बाद अफजाल जो है वो खुद से जो है प्रत्यक्ष तौर पर कोर्ट में मौजूद रहेंगे और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल आज 12 बजे बड़ा फैसला आ सकता है। जी ठीक है, यानी 12